कविता और किशन के घर के बाहर उनके छोटे से खेत थे, जहाँ किशन टमाटर उगाया करता था। ए जी, अब खाना खाने आ भी जाइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ, बस थोड़ा पानी डाल रहा हूँ। जब किशन खाना खाने घर आया, कब से आपको आवाज दे रही थी, अब तक तो सारा खाना ठंडा हो गया। अब क्या करूँ, सारे पौधों को ढंग से पानी नहीं दूंगा तो अच्छे टमाटर कहाँ से उगेंगे। चलो जल्दी जल्दी खाना दो, व्यापारी आने वाले हैं, टमाटर खरीद दे। ठीक है ठीक है। कविता ने किशन को खाना परोसा और किशन ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसका खाना खत्म हुआ और वहाँ एक व्यापारी आ गया। किशन भाई। हाँ आया आया। इस बार मंडी बहुत तंग है, मैं टमाटर की कीमत 15 रुपए किलो ही दे सकता हूँ। ये तो बहुत कम है भाई। अब भाई यही दाम है, सोच लो। पर शहर के बाजार में तो 30 रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर। अरे बाजार में बेचने में नुकसान भी तो होता है, कितने टमाटर पिचक जाते हैं, उन्हें कोई नहीं खरीदता। फिर टमाटर बेचने के लिए जो बंदा खड़ा रहता है उसकी पगार, बहुत खर्चा है किशन भाई, तुम नहीं समझोगे। लेकिन भाई 15 रुपए का दाम तो बहुत ही कम है। देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 17 रुपए दे सकता हूँ, अगर तुम्हें पड़वड़े तो दे दो। किशन निराश हो गया, पर उसे टमाटर बेचना ही था। ठीक है भाई ठीक है, दे दो। कितने किलो है टमाटर? यही कुछ 200 किलो। ठीक है भाई, 17 रुपए के हिसाब से 3,400 रुपए हुए, ये लो। धन्यवाद भाई। वो व्यापारी सारे टमाटर लेकर चला गया और किशन निराश होकर घर लौटा। क्या हुआ, दाम सही नहीं मिला? शहर में टमाटर 30 रुपए किलो बिकते हैं और हमें बस 17 रुपए मिले, ये तो अन्याय है। लेकिन अगर टमाटर बेचूं नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो आप टमाटर खुद शहर जाकर क्यों नहीं बेचते? अरे अगर मैं शहर गया तो यहाँ मेरे खेतों का ख्याल कौन रखेगा? अब सब मैं देख लूँगी। लेकिन कैसे, तुम घर का काम करोगी या खेत संभालोगी? आप फिकर मत कीजिए, मैं सुबह सारे घर का काम खत्म करके खेत भी संभाल लूंगी। वैसे भी आपने मुझे अच्छे से खेती सिखाई है। वो तो है, पर क्या हम कर पाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ। और बस तय हो गया कि कविता टमाटर उगाएगी और किशन शहर के बाजार में टमाटर बेचने जाएगा। एक हफ्ते बाद टमाटर की नई फसल निकली और किशन ने टमाटरों को टेम्पो में भर दिया। आज पहला दिन है, उम्मीद है सब सही होगा। बिल्कुल सही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। किशन शहर के बाजार के लिए निकल गया। यहाँ पहुँच कर उसने टेम्पो में ही टमाटर बेचना शुरू कर दिया। अरे ले लो ताजे ताजे टमाटर, ताजे रसीले लाल लाल टमाटर, ले लो ले लो ले लो, बस 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? हाँ दीदी। दूसरी दुकान पर तो 35 रुपए है, मैं तो तुमसे ही लूंगी, मुझे 2 किलो दे दो। मुझे भी 2 किलो। अरे अरे मुझे 1 किलो। और देखते ही देखते किशन के टेम्पो के बाहर औरतों की भीड़ लग गई। 4 घंटे में उसके बस थोड़े से टमाटर बचे थे। टमाटर हैं क्या? बस 4 किलो है, 4 किलो है। सारे मुझे दे दो। शहर वालों को ताजे रसीले टमाटर कम दामों पे मिले, इसीलिए सब धड़ाधड़ बिक गए। फिर किशन उसी टेम्पो में गांव लौटा। किशन ने टेम्पो वाले को 1,000 रुपए दे दिए। अरे कविता, बहुत अच्छा दिन था आज का। क्या सारे टमाटर बिक गए? हाँ सब बिक गए, कुल मिलाकर 250 किलो के 7,500 रुपए मिले थे। 1,000 टेम्पो वाले को दिया तो बचे हैं 6,500 रुपए। वाह, आज तो मजा आ गया। ये हुई ना बात। एक चीज मैंने देखी कि शहर की औरतें टमाटर चुनते वक्त बस लाल लाल टमाटर चुनती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना टमाटरों को और लाल करने के लिए। YouTube पे ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। किशन ने YouTube पर सर्च किया और उसे एक वीडियो मिला। तो ये पाउडर छिड़कना होगा टमाटरों के पौधों में। ये कहाँ मिलेगा? पर शहर में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। आप कल चले जाइए, ढूंढ कर ले आइए। ठीक है। अगले दिन किशन वापस शहर आया, उसने वो फर्टिलाइजर ले लिया। भाई इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? अरे भाई ज्यादा मात्रा में मत डालना, जितना पैकेट पे लिखा है ना वैसे ही डालना।
हाँ ठीक है। किशन वो केमिकल फर्टिलाइजर लेकर अपने घर लौटा। कविता उसका इंतजार कर रही थी। ये लो केमिकल फर्टिलाइजर, दुकानदार ने बोला है जितनी मात्रा लिखी है उतना ही डालो, जरा भी अधिक नहीं। इस केमिकल फर्टिलाइजर से मोटे मोटे टमाटर उगेंगे। मतलब आकार भी बढ़ेगा? हाँ। अच्छी बात है। अगले दिन किशन ने खुद टमाटर के खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डाले। देखो कविता, हमारे खेतों के लिए बस 2 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर काफी है। ठीक है, मैं याद रखूंगी। फर्टिलाइजर डालने के कुछ ही दिनों बाद पौधों पर बड़े बड़े लाल रसीले टमाटर उगे हुए थे। ये केमिकल फर्टिलाइजर तो बहुत कमाल की चीज है। हाँ देखो कितने बड़े बड़े टमाटर हैं इस बार, लगभग 350 किलो टमाटर निकाले हैं। बाप रे, हमें तो बहुत मुनाफा होगा ना। हाँ चलो अब मैं शहर जाता हूँ इन्हें बेचने के लिए। तुम इस फर्टिलाइजर को पानी में मिलाकर छिड़क देना, पर मात्रा याद रखना। जी बिल्कुल। किशन सारे टमाटरों को टेम्पो में भरकर चला गया। यह कविता को खेतों में फर्टिलाइजर छिड़कने थे। 2 मुट्ठी से इतने बड़े टमाटर निकले हैं, मैं एक और मुट्ठी मिला देती हूँ और ज्यादा अच्छी फसल होगी। कविता ने 3 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर टमाटरों के पौधों पर छिड़क दिया। अगली फसल पहले के टमाटरों से ज्यादा बड़ी थी। वाह वाह, ये अद्भुत चीज है। फिर क्या था, कविता हमेशा जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़का करती थी। हमें कुछ समय के लिए फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर से भी पौधों और मिट्टी को नुकसान है। इससे भला क्या नुकसान होगा, ये तो बहुत अच्छी चीज लगती है। कविता, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। तुम अगली 2 फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर मत डालना। ठीक है, जैसा आप बोले। कविता ने किशन को बोल तो दिया था, पर उसके मन में था कि वो और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करे, और इसीलिए किशन के मना करने के बावजूद भी कविता ने पौधों पर केमिकल फर्टिलाइजर छिड़के। अगली फसल में भी हमेशा की तरह बड़े बड़े टमाटर थे, जो देखकर किशन दंग रह गया। ये टमाटर इतने बड़े कैसे? कहीं तुमने केमिकल फर्टिलाइजर छिड़क तो नहीं दिया? नहीं, मैंने तो नहीं छिड़का। हो सकता है पहले के केमिकल का असर हो। हाँ, हो सकता है। कविता किशन को झूठ बोल बोल कर टमाटर के पौधों में केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कती रही। कविता के दिमाग में ज्यादा मुनाफे का लालच था। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे टमाटर के कुछ पौधे मरने लगे। अरे रे रे, ये क्या, इन्हें क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। शायद ये केमिकल फर्टिलाइजर का असर है। मैं ये पौधे तोड़ देता हूँ, यहाँ नए पौधे लगाएंगे, वरना ये सारे खेत में फैल जाएंगे। ठीक है। किशन ने मरे हुए पौधों को उखाड़ कर वहाँ नए पौधे लगाए, पर अगले दिन वो पौधे भी मर चुके थे। हे राम, ये क्या हुआ? ये ऐसे क्यों मर रहे हैं? पता नहीं, मैं कृषि वैज्ञानिक को बुलाकर लाता हूँ। किशन पास के कृषि उद्योग से कृषि वैज्ञानिक को अपने खेत ले आया। देखिए, ये पौधे कल ही लगाए थे और आज इनका ये हाल है। मुझे मिट्टी की जांच करनी होगी। वैज्ञानिक ने मिट्टी का सैंपल ले लिया। जब वैज्ञानिक ने मिट्टी की जांच की तो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा केमिकल्स थे। आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है। जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की वजह से पूरी मिट्टी में बस केमिकल्स हैं। अब यहाँ पौधे उगना मुश्किल है, और जो पौधे अभी भी बचे हैं उस पर जरा भी फर्टिलाइजर यूज मत कीजिएगा। ये बात सुनकर किशन और कविता दोनों हक्के बक्के रह गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, आपने मना किया था, फिर भी मैं केमिकल डालती रही। कविता ने थोड़े से लालच की वजह से आज उसके उपजाऊ खेत को बंजर बना दिया। अगर आज वो बिना केमिकल के खेती करते तो शायद कम कमाते, पर उनके खेत उपजाऊ होते और उनकी जिंदगी खुशहाल।